यार इन गर्मियों ने हमें जलील करने का ठेका तो नहीं ले रहा। एक ऊपर से बिजली नहीं होती, एक ये गर्मी। यार मैं बैठक में सोया हुआ तो अचानक बिजली चली गई, तो मैंने कहा यार चलें बस अंदर। फिर अंदर चला तो फिर जल्दी से आ गई, फिर वापस आ गया, मेरे साथ प्रैंक हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सब दोस्त खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब दोस्त खैरियत से होंगे जी। तो दोस्तों आज के व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं किधर जा रहा हूँ। मैं तो शहर जा रहा हूँ क्योंकि उधर से कुछ सामान वगैरह लेना था। सामान क्या लेना था मैं आपको बताता हूँ। कुछ खाने पीने का सामान लेना था, तो इस तरह मैं उधर सुंदर चॉइस पे पहुंचा क्योंकि मैंने खाने थे दही भल्ले। तो दही भल्ले मैंने कब के नहीं खाए थे, मैंने कहा कुछ खट्टा मीठा हो जाए, तो मैंने दही भल्ले ऑर्डर कर दिए। फिर मैं मसरूफ हो गया वीडियो बनाने में, तो दही भल्ले आ गया। मैंने फिर टेस्ट वगैरह किया और पूरा मुग खाली कर दिया। और इसके बाद जब मैं जा रहा था जूस पीने, तो आगे देखा कुछ साइकिल पर बच्चों को देखा, तो मुझे बचपन की याद आ गई जैसे हम स्कूल जाते थे। तो इस तरह मैंने जूस को झटका दिया और इसके बाद आपका भाई फिर वापस आ गया। फिर वापस आकर सो गया। आपके भाई के सर में शदीद दर्द था। तो इस तरह जब आपके भाई की नींद खुली तो मैंने देखा कि बाइक की मैंने सर्विस करनी थी, तो मैं बाइक की सर्विस करने के लिए करीबी दुकान पर गया सर्फ लेने। तो सर्फ लेने जो ही गया तो वो चाचा बहुत ही अच्छा चाचा अल्लाह डिवाए, तो उससे मैंने बातचीत वगैरह करनी थी, कब की नहीं की थी, तो मैंने उससे बातचीत वगैरह की और उससे सर्फ लिया। और फिर उसके बाद सर्फ लेने के बाद मैं वापस चल पड़ा। तो वापस जो ही आया तो मोटरसाइकिल की सफाई ऐसे की, ऐसे सर्विस की। फिर मैंने कहा तकरीबन 2 महीने इसकी सर्विस ना करनी पड़े। तो इसके बाद सर्विस करने के बाद मैंने कहा चलो इसकी सफाई कर देते हैं, टाकी वगैरह भी लगा देते हैं। खुश्क टाकी मैंने लगाई। टाकी लगाने के बाद फिर आपका भाई फुल टाइम थक गया था और उसके बाद रात भी हो गई थी, तो मैंने कहा चलो सो जाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए।